हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सेट थ्योरी का वन शॉट वीडियो रिवीजन देने वाली हूँ। अगर आप लोगों का पहले से सेट थ्योरी कम्प्लीट है तो भी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और पहले से कम्प्लीट नहीं है तो भी आप लोग पूरा देखेंगे। दोनों स्टूडेंट को इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 जून से एग्जामिनेशन शुरू है, और कभी मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हिसाब से, तो वो आप लोग अपना देख लिए होंगे। मैं रूटीन का वीडियो डाल दी थी और उसको एक्सप्लेन भी कर दी थी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सेट थ्योरी पूरा पढ़ाने वाली हूँ, तो आप लोग अच्छे से देखिए, और वन शॉट वीडियो है मतलब पूरा खल्लास होने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग सेट थ्योरी में क्या जानेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। तो ऑर्डर्ड पेयर पता है क्या होता है, कि अगर दो आप लोगों का एलिमेंट होगा, ठीक है, जैसे दो तीन है, चार छः है, इस तरीके से कोई भी दो रहेगा, और हम लोग उसको कॉमा लगा के ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे ना, तो ये हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, तो देखिए ये दो जगह हम लोग का कोई भी एक क्या बोलते हैं, कोई एक ए है सेट है, बी कोई दूसरा सेट है, तो जो पहला एलिमेंट लेंगे ना वो ए सेट से लेंगे, और जो दूसरा एलिमेंट लेंगे वो बी सेट से लेंगे, और इस तरीके से करते करते हम लोग जितना पेयर बनाएंगे ना वो हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। तो अगर आप लोगों से ऑर्डर्ड पेयर कोई बोलेगा बनाने के लिए तो आप लोग बना दीजिएगा। ऑर्डर्ड पेयर कैसा रहता है, ए और बी, यहाँ पे कुछ एक एक्स के एलिमेंट होंगे और यहाँ पे वाई के एलिमेंट होंगे, मतलब कोई भी जिस भी सेट से एलिमेंट लेना होगा वो, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए बी वेयर ए एंड बी हैव बीन टेकन इन डिफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ए हम लोग कोई एक सेट से लेंगे और बी हम लोग कोई एक और सेट से लेंगे, और याद रखना है क्या कि वो ऑर्डर जो लेंगे वो डेफिनेट में लेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर आप लोग समझ गए कुछ नहीं, वो ए बी जो होता है ना हम लोग इस तरीके से जो लिखते हैं ना, ऐसे ए और बी, ए ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे देखिए इस तरीके से लिखते हैं, ये आप लोग का क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखिए, तो इसमें क्या बोला है, लेट ए एंड बी वी टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब हम लोग के पास एक ए सेट है और एक बी सेट है, और दोनों नॉन एम्प्टी है, मतलब एक ना एक एलिमेंट तो पक्का है, ठीक है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए बी, तो देखिए समझिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लोग को निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे ऑर्डर पेयर को हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे, और यही हम लोग का होता है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है। क्या समझे, पहले मैं ऑर्डर पेयर बताई, ऑर्डर पेयर कैसे बनाता है, बनाते हैं हम लोग ए और बी लिख के, ठीक है, ए और बी लिख के हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो हम लोगों का कोई एक सेट दिया होगा ए, दूसरा सेट दिया होगा बी, तो ए में कुछ एलिमेंट होंगे और बी में कुछ एलिमेंट होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है, और जितना भी पेयर बन सकता है सारा पेयर को बना लेंगे, और सारा पेयर को बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एक बक्सा में बंद कर देंगे, और वही हम लोग का क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो हम लोग का देखिए क्या बोला, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट, वो एक सेट होगा, ठीक है, ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए बी वेयर ए जो है, ए जो है हम लोग सेट ए से लेंगे, बी जो है वो सेट बी से लेंगे। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, किस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी मतलब हम लोग क्या करेंगे, ए बी, और ए हम लोग कहाँ से लेंगे, सेट ए से, और बी कहाँ से लेंगे हम लोग, सेट बी से, और जो भी हम लोग उसका सेट बन सकता है, जितने भी एलिमेंट आ सकते हैं सबको बना लेंगे, ठीक है। और यही अगर हम लोगों को बी ए निकालना होगा ना, बी ए, ठीक है, बी क्रॉस ए, तो बी हम लोग बी क्रॉस बी से हम लोग कौन सा एलिमेंट लेंगे, बी, और ए से क्या लेंगे, ए, तो ये हम लोग बी लेंगे कहाँ से, सेट बी से, और ए लेंगे सेट ए से लेंगे, और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर इसका निकालेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं ना, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, हम लोग मतलब कि अभी ऑर्डर पेयर समझ चुके हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझ चुके हैं, अब हम लोग एग्जांपल से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो देखिए हम लोग का एक ए सेट है जिसमें हम लोग का एलिमेंट क्या है, ए बी सी, एक दूसरा सेट है बी जो कि है डी ई एफ, तो हम लोग क्या है पता है क्या करेंगे, ऑर्डर बनाएंगे, पहले पेयर बनाएंगे, तो पहले ए को डी के साथ बना लीजिए, ए डी बन जाएगा, फिर ए को ई के साथ बनाइए, ए को एफ के साथ बनाइए, तीन पेयर बन जाएगा, पहला क्या बना ए डी, दूसरा ए ई, तीसरा ए एफ, तीन बन गया, फिर बी के साथ ऐसे ही करेंगे तो क्या बनेगा, बी डी बी ई बी एफ, छः बन गया, फिर सी के साथ करेंगे तो सी डी सी ई सी एफ, कितना हो गया, नौ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा, नौ ऑर्डर पेयर बन जाएगा। देखिए ए क्रॉस बी जो है, तो हम लोग जितने भी ऑर्डर पेयर बने हैं ना सबको हम लोग सबका एक सेट बना लेंगे, एक सेट में मतलब एक ऐसे ब्रैकेट में करके उसके अंदर रख देंगे, यही हम लोग का क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग को निकालना है बी क्रॉस ए, क्या निकालना है, बी क्रॉस ए, तो पता है बी क्रॉस ए निकालना है तो पहले इसको लेंगे, अब डी का हम लोग इसके साथ बनाएंगे तो डी ए डी बी डी सी, अब क्या करेंगे, फिर ई का ई ए ई बी
ई सी, फिर क्या करेंगे एफ का एफ ए एफ बी एफ सी, और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बी क्रॉस ए निकालेंगे। तो यहाँ आप लोग देखिएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, कहीं पे आप लोगों को लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा कहीं पे आप लोगों को दिखेगा ना लिखा हुआ, कहीं पे लिखा हुआ क्या जैसे प्रूफ करने के क्रम में है ना आप लोगों को ये सब काम आएगा। तो ध्यान रखिएगा अगर ए बी क्या बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से, कहने का क्या मतलब है जो ए होगा ना ये पहला वाला एलिमेंट कहाँ से लेते हैं सेट ए से, और दूसरा वाला एलिमेंट कहाँ से लेंगे सेट बी से। यहाँ मतलब पहला वाला एलिमेंट पहला से लेंगे और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरा से लेंगे। तो अगर कहीं भी लिखा रहेगा कि ए बी और वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, तो हम लोग क्या लिखेंगे वो क्या इम्प्लाई कर रहा है, वो इम्प्लाई कर रहा है जो ये जो ए है वो बिलोंग करेगा ए में, और बी जो है वो किस में बिलोंग करेगा बी में, ठीक है। ए बिलोंग करेगा कहाँ ए में, और बी बिलोंग करेगा कहाँ बी में, ठीक है, समझ गए इतना। और अगर आप लोग कहीं लिखा हुआ है क्या ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है बी में, तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख लेंगे कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें ए क्रॉस बी में, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरफ से लिख सकते हैं, अगर ये लिखा है तो ये लिखेंगे, ये लिखा है तो ये लिखेंगे, प्रूफ करने के दौरान ये सारी बातें हम लोग यूज करेंगे। चलिए और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्स इज द सबसेट ऑफ ए, क्या लिखा हुआ है आप लोग का एक्स इज द सबसेट ऑफ ए, क्या इम्प्लाई कर रहा है अगर एक्स, देखिए अगर हम लोग का एक्स जो है वो सबसेट ऑफ ए है और एक्स जो है वो सबसेट है बी का, मतलब जो ए जो है ना वो किस का सबसेट हो जाएगा बी का, तो ये भी ध्यान रखेंगे। मतलब कहने का मतलब एक्स में जो एक्स जो है ना वो ए से लिया गया है और बी और एक और एक्स है वो भी बी से लिया गया है, कहने का क्या मतलब है कि ए में जो भी एलिमेंट होंगे वो कहाँ से लिया गया होगा बी से लिया गया होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल है, इसे समझिए ध्यान से। देखिए ए हम लोग का क्या है एक दो तीन चार, क्या लिखा हुआ है एक दो तीन चार, और बी में क्या है एक दो तीन, तो कहने का क्या मतलब है बी के बी में जितने भी एलिमेंट है वो कहाँ से लिया गया है एक दो तीन, ए से लिया गया, मतलब बी जो है वो किसके सबसेट है ए का सबसेट है। लेकिन अगर आप लोग ए को ध्यान देखिएगा ए, तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है क्योंकि ए में जो चार एलिमेंट है वो कहीं और से लिया गया है, ठीक है। तो जिसमें जो कम एलिमेंट होगा ना वो सबसेट होगा बड़ा वाले का, यहाँ क्या है ए बी सी, यहाँ क्या है ए बी सी डी, तो यहाँ ए जो है वो सबसेट है किसका बी का, लेकिन बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि डी जो है वो एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे कि अगर आप लोगों को दिखेगा ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब कहने का ए में जो भी एलिमेंट्स है वो कहाँ से लिए गए हैं बी में, और बोल रहा है बी जो है वो किसका सबसेट है ए का, ए मतलब कि बी में जो है वो किसके सबसेट है ए का, मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग का दोनों ए और बी आपस में बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि ए जो है सबसेट होगा किसका बी का और बी जो है किसका सबसेट होगा ए का। तो अगर आप लोगों को कोई भी थ्योरम आएगा जिसमें आप लोग ये दिखा पाएंगे कि ए जो है वह यहाँ पे ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो हम लोग क्या है उसका इम्प्लाई करेंगे कि ए और बी आपस में बराबर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात किया जाए ए क्या है आप लोगों का ए बी सी, बी क्या है आप लोगों का बी सी है, तो देखिए ए है ए बी सी, ठीक है, तो ए किसका सबसेट है बी का और बी जो है वो क्या है बी सी है, तो बी जो है वो बी जो है बी सी ए, मतलब बी किसका सबसेट है ए का, तो ए भी सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए और बी आपस में बराबर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या यूनियन ऑफ टू सेट, तो देखिए एक्स अगर आप लोगों कहीं लिखा रहेगा क्या एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्या लिखा रहेगा ध्यान से समझते जाइए सारा बात, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। क्या लिखा हुआ है आप लोग का एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे ए यूनियन बी से, मतलब एक्स जो है अगर कहीं पे लिखा मिलता है ना आप लोगों को एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से, मतलब है ना यूनियन मतलब होता है और, क्या होता है यूनियन मतलब याद रखिएगा यूनियन मतलब होता है और इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, ठीक है, यूनियन मतलब क्या होता है और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है एंड, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल याद रहेगा। तो आप लोगों को कहीं भी दिखेगा ना एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से, कहने का मतलब एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से, ठीक है। और चलिए देखिए अगर हम लोगों का ये हम लोग का ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 2 3 4 5, तो ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी निकालना है ना, तो आप लोगों को इसमें जितना भी एलिमेंट है ना सारा एलिमेंट को लिख देना है, बस रिपीट नहीं करना चाहिए। तो एक लिख दिए, दो लिख दिए, तीन लिख दिए, इसमें का सारा काम खत्म, इसमें चार बाकी है, चार लिख दिए, पाँच लिख दिए, क्या निकल गया ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर कैसे निकालते हैं, मतलब सारे के सारे एलिमेंट को लिख देना है, बस रिपीट नहीं करना चाहिए। और कोई भी एलिमेंट जो है वो ए यूनियन बी से बिलोंग करा है, कहने का क्या मतलब है वो या तो ए में हो सकता है या तो बी में हो सकता है, ठीक है, समझ गए, चलिए ठीक है। अब देखिए अब हम लोग समझेंगे क्या अभी यूनियन समझा दी, अब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कैसे होता है पता है, ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब है जैसे जो एक्स जो है ना वो एक्स वो या तो ए में हो सकता है या तो बी में हो सकता है, देखिए एंड है और, मतलब दोनों में से कोई क्या, देखिए उसमें क्या था कि दोनों में से कहीं भी हो सकता है और इसमें क्या होगा दोनों में होना होगा,
अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट लेते हैं, किसे अगर बोलते हैं पाँच इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन पाँच जो है वो ए और बी का इंटरसेक्शन है, मतलब पाँच जो है वो ए में भी होगा और बी में भी होगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आप लोग कहीं देखेगा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो आप लोग क्या लिखेगा, लिखेगा एक्स बिलोंग्स टू ए और इसको इंटरसेक्शन को लिखते हैं एंड, क्या लिखेगा एंड, फिर लिखेगा एक्स बिलोंग्स टू बी। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, आप लोग का ए दिया हुआ है क्या एक दो तीन, बी क्या दिया हुआ है दो तीन चार, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मतलब जो दोनों में है, तो दो दोनों में है और तीन दोनों में, तो ये आप लोग का ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। चलिए अब इतना जो मैं आप लोगों को बताई, अभी यूनियन अगर रहेगा तो किस तरीके से खोलना है, अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो क्या आंसर आता है, या और इंटरसेक्शन को कैसे खोलते हैं, ये सारी बातें बता दी। अब इसी बातें पे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रूफ करवाऊंगी और वो परीक्षा में पूछा ही जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, एक नहीं दो क्वेश्चन आ जाएगा इससे, ध्यान से देखिए। फिर क्या आप लोग का, इफ़ ए बी सी आर थ्री सेट देन प्रूफ डेट, आप लोगों का क्या है ए बी सी तीन सेट दिया हुआ है, तो आप लोगों को प्रूफ करना है क्या ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर जो है वो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप लोगों का इस टाइप का प्रूफ आएगा ना, तो आप लोगों को क्या करना होगा, दोनों साइड से लेके चलना होगा, मतलब आप लोग एक बार लेके चलेंगे, जैसे एक बार ले लेंगे कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे वो बिलोंग कर रहा है इसमें, और फिर आगे तक जाएंगे एक इक्वेशन बना लेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग कोई भी एलिमेंट ले लेंगे अपने मन से यू भी एक्स वाई जो भी मन है, और वो बिलोंग करेगा इसमें, फिर उसको सॉल्व करेंगे। फिर जो जब देखिए मतलब इतना बात समझिए ना, एक क्या समझाई हुई, एक सिखाई हुई ना, अगर ए जो है वो किसका सबसेट है बी का, और बी जो है वो किसका सबसेट है ए का, अगर ऐसा आ जाता है कहने का मतलब, हम लोग क्या कहते हैं ए जो है वो बी के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ कर देंगे ये जो है ये वो सबसेट है इसका, फिर प्रूफ कर देंगे ये जो है ये सबसेट है इसका, तो दोनों तरफ से कर देंगे ना, तो हम लोग का क्या बोलेंगे, अगर दोनों तरफ से ए जो है सबसेट है बी का और बी जो है सबसेट है ए का, मतलब दोनों आपस में बराबर है, और इस तरीके से हम लोग का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए ए बी, क्या ले लिए ए बी, और ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, तो हम लोग ए बी किसको माने हैं, इसको माने हैं, ठीक है, ए बी किसको माने, ए बी जो है वो किसमें बिलोंग कर रहा है इसमें, पहले इसको एल एच एस से लेकर चलते हैं, तो ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी में, ठीक है। अब चलिए यहाँ क्रॉस है, तो क्रॉस कहने का क्या मतलब है, तो देखिए कहने का मतलब है, आप लोग ध्यान से देखिए, अगर ए क्रॉस बी है ना, ये बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी से, मतलब ए जो है ए वो किससे बिलोंग करेगा ए से, और बी जो है बी वो किससे बिलोंग करेगा बी यूनियन सी से, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना ये क्रॉस, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब, कहने का मतलब होता है पहला एलिमेंट पहला से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरा से, मतलब यहाँ क्या इंप्लाई करेगा, ए जो है वो बिलोंग करेगा ए से, और जो बी जो है वो बिलोंग करेगा बी यूनियन सी से, तो यहाँ ए बिलोंग कर रहा है ए से, चलिए ठीक है, और बी बिलोंग कर रहा है बी यूनियन सी से, यूनियन मतलब क्या होता है और, तो इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको खोलेंगे तो हम लोग लिखेंगे बी जो है वो बिलोंग कर रहा है बी से, ठीक है, बी जो है वो बिलोंग कर रहा है बी से, और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है सी से, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी। अब चलिए आगे देखते हैं, ये लाइन आप लोगों को समझ में आया, बिल्कुल आया, ये भी लाइन आया आप लोगों का, चलिए अब हम लोग का क्या है, देखिए ए ए इंटर, ये हम लोग का कॉमा था मतलब कि ब्रैकेट था, अब हम लोग देखिए ए इंटरसेक्शन बी को इसके साथ ले लीजिए, तो ए इंटरसेक्शन मतलब ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है बी में, और क्या हो जाएगा, और ए जो बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है सी में, देखिए ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है बी में, और यहाँ पे ये है, तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहे एक साथ तो क्या लिखेंगे, ए बी जो है ए बी वो किस में बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी में, ठीक है, ए बी किस में बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी में, और बीच में क्या है, और यहाँ पे क्या ए बी बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी में, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ए क्रॉस सी में होगा, ठीक है, ए क्रॉस ए बी बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी में, तो अगर हम इस लोग इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी ये ए किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी में और ए क्रॉस सी में, तो हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी, और को हम लोग क्या लिखते हैं यूनियन, अगर कहीं एंड लिखा रहेगा तो उसको इंटरसेक्शन लिखिएगा, और लिखा रहेगा तो यूनियन लिखिएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग का ए क्रॉस बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, और ए और बी जो है वो किससे माने थे, ए और बी किसको माने थे, इसको ए क्रॉस बी यूनियन सी को, ये बिलोंग कर रहा है इसमें, अगर कोई भी एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है कहने का क्या मतलब है, उसका सबसेट है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एक ये वाला जो है वो सबसेट है इसका, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन वन कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में है ना पूरा कंप्लीट नहीं है, इतना करिएगा तो आप लोग को एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं देगा, आप लोगों को इसके बाद क्या करना होगा ध्यान से समझ लीजिए। अब आप लोग मान लीजिएगा लेट यू बी बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, क्या हम लिखेंगे, यू बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी, फिर क्या लिखिएगा आप लोग, यू जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से, और यूनियन को क्या लिखिएगा और लिख लीजिएगा, और बी बिलोंग कर रहा है इससे, ठीक है, और इस तरीके से फिर सॉल्व करते करते आप लोग उसको सॉल्व कर दीजिएगा, फिर इसके जगह पर ये रख दीजिएगा और आगे थोड़ा तीन चार स्टेप कीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा क्या लिखिएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज़ बिलोंग्स टू दिस,
और मतलब अगर उसके बाद क्या लिखिएगा, अगर ये इसमें बिलोंग करा तो उसका सबसेट है, और इसको इक्वेशन वन बना लीजिएगा और उसको इक्वेशन टू, इसको इक्वेशन वन बना लीजिएगा। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे छोड़ दिया गया, लेकिन वो एग्जामिनेशन में छोड़ने की गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये जो नोट्स है उसमें थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा उसको अच्छे से करना चाहिए था, तो कोई बात नहीं है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, और जैसे मैं समझाई हूँ ना उसी तरीके से कर लीजिएगा, और फिर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, और दोनों को आपस में प्रूफ कर दीजिएगा। फिर आप लोगों का नेक्स्ट बात क्या बात समझिए, देखिए अगर आप लोगों को कहीं पर लिखा दिख जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, क्या दिख जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब क्या हुआ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरीके से प्रूफ करना होगा तो हम लोग का बस एक ही स्टेप है, यहाँ पे ए भी मान लेंगे किसको, ए भी बिलोंग कर रहा है किसमें, ये वाला पहला से। तो देखिए यहाँ पे अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या डेफिनेशन कहता है कि पहला एलिमेंट पहला में होगा दूसरा एलिमेंट दूसरा में, तो ए जो बिलोंग करेगा वो ए में और बी जो बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन सी में, तो ए बिलोंग्स कर रहा है ए में, ठीक है। बी बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी में, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है एंड, मतलब बी बिलोंग कर रहा है बी में एंड बी बिलोंग कर रहा है किसमें सी में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ए अगर हम लोग दोनों को क्या करेंगे ये ब्रैकेट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है बी में एंड ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है सी में। तो यहाँ देखिए ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है बी में, मतलब ए भी जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, और ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है सी में, मतलब ए भी जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी में। और अगर हम लोग क्या करेंगे कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ए क्रॉस बी जो है वो एंड है, तो मतलब इंटरसेक्शन लगा देंगे और ये हम लोग इक्वेशन वन बना लेंगे, और ये क्या लिख देंगे ये जो है क्या है इसका सबसेट है। और फिर सिमिलरली जैसे ये किए हैं ना वैसे हम लोग इसका क्या करेंगे उल्टा करेंगे और इक्वेशन टू को बना लेंगे, फिर क्या बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट दिस, दोनों आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या समझना है डिफरेंस ऑफ टू सेट, मतलब कोई भी सेट दो सेट का डिफरेंस निकालना होगा तो कैसे कीजिएगा। तो क्या दिया गया आप लोग देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, अगर हम लोग का क्या है ए और बी दो सेट है, देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए माइनस बी, तो उसका डिफरेंस जो निकालेंगे उसको डिनोट कैसे करेंगे, तो ए माइनस बी से डिनोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा आप लोग का ए माइनस बी इज़ द सेट ऑफ चूज एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी, मतलब अगर आप लोग को ए माइनस बी का सेट बनाना होगा ना तो आप लोग का ए का सारा एलिमेंट रखना है, बस उसमें वो एलिमेंट मत रखिएगा जो बी में प्रेजेंट होगा। जैसे अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ ए बी सी डी और बी क्या दिया हुआ ए सी ई एफ, तो ए माइनस बी लिखना है ना तो सिर्फ आप लोग ए का ही एलिमेंट लिखेगा, ठीक है, किसका लिखेगा ए का, लेकिन वो बी में नहीं होना चाहिए। तो अगर बी में देखिए यहाँ ए बी सी डी है, बी में ए है तो ए को नहीं लिखेंगे, सी है तो सी को नहीं लिखेंगे, तो ए गया सी गया बचा कौन बी और डी, तो बी और डी लिख देंगे। बी माइनस ए लिखेंगे ना तो मतलब बी का एलिमेंट लिखेंगे लेकिन वो ए में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो ए माइनस बी अगर कहीं पर लिखा दिख जाएगा तो आप लोग क्या लिखिएगा, लिखिएगा मतलब एक्स जो बिलोंग करेगा ए में बट एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग करेगा बी में, ठीक है। एक्स अगर बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी में इम्प्लाई क्या करेगा, एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। तो ए और कहीं पर लिखा रहेगा क्या कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बी में, मतलब क्या है एक्स जो बिलोंग कर रहा है किसमें ए माइनस बी में, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए क्योंकि आगे वाला जो है ना उसमें थोड़ा सा काम था इसलिए ये डिफरेंस के बारे में समझा दिया गया। अब चलिए देखिए जो नेक्स्ट प्रूफ है, देखिए आप लोग का एक क्वेश्चन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से फिक्स ही आएगा, तो आप लोग इसको वन शॉट रिवीजन मान के, अगर पहले से भी आता है फिर भी वीडियो बड़ा हो छोटा हो आप लोग पूरा देखिए, आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं है। और यूट्यूब का जो अर्निंग होता है ना वो मैं कभी आप लोगों को बता दूंगी, कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ वीडियो को क्योंकि बहुत सारे लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हुए एक उम्मीद लेके, और उस उम्मीद को मैं पानी फेरना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ पढ़ाई कर लीजिए और कोई भी मैथ ऑनर्स के फ्रेंड है तो उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अगर इफ ए बी सी आर थ्री सेट देन प्रूव डेट दिस, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ए बी मान लेंगे, लेट ए बी जो है वो किसे बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी माइनस सी से। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या डेफिनेशन बोलता है कि पहला एलिमेंट पहला में बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरा में, तो हम लोग क्या लिखेंगे इम्प्लाइज डेट ए बिलोंग्स टू ए और यहाँ पे कॉमा दे देंगे और क्या लिखेंगे बी बिलोंग्स टू बी माइनस सी, तो ये ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब हम लोग को इसको लिखना है मतलब बी बिलोंग करेगा बी में और बी जो है वो सी में बिलोंग नहीं करेगा, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बी बिलोंग्स टू बी एंड बी डज नॉट बिलोंग टू सी। तो हम लोग क्या करेंगे बस इसको भी मतलब कि इसके साथ इसको गुना कर दीजिए इसके साथ इसको, तो ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है बी में एंड ए जो है बिलोंग कर रहा है ए में और क्या हो जाएगा बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है सी में, ठीक है। मतलब कि दोनों बस ब्रैकेट से गुना कर दिए और कुछ नहीं है। तो ए है यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं ए बी जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में और इसको क्या लिख सकते हैं ए बी जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी में, ठीक है। ए क्रॉस ए बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए क्रॉस सी में। तो अगर हम लोग इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें ए क्रॉस बी में तो कर रहा है लेकिन नहीं कर रहा है किसमें ए क्रॉस सी में। तो ए बी हम लोग किसको माने थे इसको, मतलब ये जो है वो किसका सबसेट है इसका, तो इक्वेशन बना लेंगे वन
फिर हम लोग सिमिलरली करेंगे। और फिर सिमिलरली लिख के ये नहीं कि सीधा लिख दीजिएगा, पूरा प्रूफ कीजिएगा, उसको मानिएगा यू भी, फिर उसको आगे आगे बढ़ा के फिर लाइएगा वो इधर वाला, और फिर दिखाइएगा कि ये उसका सबसेट है, फिर दोनों को आपस में बराबर कीजिएगा और आप लोग उसके बाद प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या आप लोग का, इफ़ ए बी सी आर थ्री सेट देन प्रूव डैट ए माइनस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एल एच एस लेके चलेंगे, ए बी मान लेंगे, ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी क्रॉस सी में, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट है करने का मतलब पहला एलिमेंट पहला में होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरा में, तो ए बिलोंग करेगा ए माइनस बी में और बी बिलोंग करेगा सी में, ए बिलोंग करेगा ए माइनस बी में, बी बिलोंग करेगा सी में। अगर ए बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी में, कहने का क्या मतलब, ए बिलोंग करेगा ए में लेकिन ए जो है वो बी में बिलोंग नहीं करेगा, और यहाँ बी बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू ए, और यहाँ हो जाएगा ये, अगर हम लोग क्या करेंगे अब अलग अलग कर देते तो ए बिलोंग कर रहा है ए में, बी बिलोंग कर रहा है सी में, और ए बिलोंग नहीं कर रहा है बी में और बी बिलोंग कर रहा है सी में। तो अगर हम लोग इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ए बी जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस सी में, एंड ए बी जो है वो बिलोंग नहीं कर, वो बिलोंग नहीं कर रहा है किस में, बी क्रॉस सी में, ठीक है। ए बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है बी क्रॉस सी में, तो हम लोग इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखिए, ए बी जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी में। और इस तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, अगर वो उसमें बिलोंग कर रहा है मतलब उसका सबसेट है, और इक्वेशन वन बना लेंगे, फिर हम लोग उसी तरीके से इक्वेशन टू बना लेंगे, इक्वेशन वन और टू से बोलेंगे क्या दोनों आपस में बराबर है। अब हम लोग देखेंगे क्या यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग पहले यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, यू से, और इस तरीके से भी करते हैं। देखिए अगर आप लोग का ए दिया हुआ ए बी सी, और बी दिया हुआ बी डी, सी दिया हुआ बी सी डी, डी दिया हुआ ये, यूनिवर्सल सेट पता है क्या होता है, सारा एलिमेंट को ले लेना है, ठीक है, बस कोई रिपीट नहीं करना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब हम लोग क्या देखेंगे, कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट अगर कम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए बोलेगा, क्या करेगा, कम्प्लीमेंट निकालो, तो क्या करिएगा, यूनिवर्सल सेट में से जिसका भी कम्प्लीमेंट पूछेगा ना उसको घटा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है क्या यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पे ये दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका कम्प्लीमेंट, तो क्या कीजिएगा, इस पूरा में से इसको ए बी को घटा देंगे, तो ए बी घटा तो क्या बचा, सी डी ए, तो सी डी ए होगा। फिर इसका क्या करेगा, फिर ट्रांसपोज करेगा, ठीक है, मतलब फिर से एक बार किया है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आप लोगों का उसी, मतलब कि इसको मतलब कोई भी किसी का यूनियन का, इसको क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट निकालिएगा फिर से, तो वो सेम ही प्रोडक्ट दे देगा। तो यहाँ पे ये समझना है बस, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, मतलब एक्स किस में बिलोंग करेगा, एक ही कॉम्प्लीमेंट में, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है एक ही कॉम्प्लीमेंट में, तो वही के इसमें भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन है क्या, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट देन प्रूव डेट ए क्रॉस बी का इंटरस क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है, यही है क्या, वह देख लेती हूँ, चलिए ठीक है, जो भी है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूफ करना है, तो हम लोग वही एल एच एस लेके चलेंगे, ए बी जो है वो क्या है, ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी के कम्प्लीमेंट में, ठीक है, क्या है, ए बी जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी के कम्प्लीमेंट में, मतलब अगर बात किया जाए ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी में ए बी नहीं बिलोंग कर रहा है, इसको कम्प्लीमेंट में कर रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग बस लिखे है, ठीक है, एल एच एस को लेकर चल रहे हैं, ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किस में, ए क्रॉस बी के कॉम्प्लीमेंट में, मतलब ए बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए क्रॉस बी में, मतलब ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए में, और बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है बी में, ठीक है। और चलिए, और या फिर कैसा हो सकता है, देखिए ये कंडीशन तीन प्रकार से बन सकता है, क्या होगा, ए और बी दोनों का दोनों ए और बी में बिलोंग ना करे, या फिर ऐसा हो सकता है ए बिलोंग कर रहा है ए में लेकिन बी बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ए भी ए बी, मतलब इसमें क्या था, ए बिलोंग कर रहा है लेकिन बी नहीं, इसमें क्या था, ए कर रहा है लेकिन बी नहीं है, इसमें क्या है, दोनों नहीं कर सकता, तीन पॉसिबल बन जाएगा। फिर देखिए ए जो है वो हम लोगों का नहीं बिलोंग कर रहा है ए में, ए जो है वो किस में बिलोंग नहीं कर रहा है ए में, मतलब वो यूनिवर्स इसका यूनि क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में नहीं, यूनिवर्सल सेट नहीं, कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, ये जो था इसका कॉम्प्ली ए में बिलोंग करेगा, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, और ये तो ठीक ही है, अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है बी में, मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, और ये ए में बिलोंग नहीं कर रहा मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट में बनेगा, और बी में बिलोंग नहीं कर रहा मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सजा के लिख देंगे, मतलब यहाँ पे ए बी जो है वो किस में, ए के कॉम्प्लीमेंट क्रॉस बी, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसमें क्या हो जाएगा, ए बी ए का कॉम्प्लीमेंट गुने बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या करेंगे, सब और है तो सबको यूनियन लगा कर जोड़ देंगे, और ये हम लोग का एल एच एस आ गया। फिर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, आर एच एस, और फिर हम लोग इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, और इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, वन शॉट वीडियो है तो हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे, कोई छोड़ते नहीं है, इसको कर ही लिए हैं।
फिर क्या है आप लोग का ए बी सी डी आर फोर सेट क्या है, जब आप लोगों का चार सेट दिया जाएगा देन प्रूफ डेट आप लोगों को दिस करना है। तो क्या कीजिएगा आप लोग वही काम कीजिएगा, यहाँ पे क्या लीजिएगा ए बी जो है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी का, तो पहला लाइन यही लिख दीजिएगा। फिर क्या है मतलब ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, और ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें सी क्रॉस डी में, और ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में मतलब ए जो है वो बिलोंग करेगा ए में और बी जो है वो बिलोंग करेगा बी में, एंड ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है सी क्रॉस डी में मतलब ए जो है बिलोंग करेगा सी में और बी जो है बिलोंग करेगा किसमें डी में करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए ए बिलोंग कर रहा है ए में, मतलब कॉमन ले लेते हैं, ए बिलोंग कर रहा है ए में और ए बिलोंग कर रहा है सी में एक साथ ले लेंगे, बी बिलोंग कर रहा है बी में और बी बिलोंग कर रहा है डी में एक साथ ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए एंड सी मतलब ए इंटरसेक्शन सी और बी जो बिलोंग कर रहा है बी एंड डी मतलब बी इंटरसेक्शन डी। तो हम लोग का क्या हो जाएगा ए बी जो है वो किसमें बिलोंग कर रहा है ए बी ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, और इस तरीके से हम लोग का ये इक्वेशन वन आएगा। और उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग इक्वेशन टू लाएंगे और इक्वेशन वन एंड टू से दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। क्या ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है सी दिया हुआ है, तो क्या बोला फाइंड कीजिए ए क्रॉस बी यूनियन सी और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। देखिए सबसे पहले क्या करना है ए का आप लोग को क्रॉस करना है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी यूनियन सी का। तो बी और यूनियन सी, बी में जितने भी एलिमेंट्स है और सी में जितने भी एलिमेंट्स ज़्यादा लिख लीजिए, चार पाँच छः, तो चार पाँच छः आ गया। और ए आप लोग का क्या है ए है दो तीन, अब क्या करेंगे इसके और इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं ना सारा का सारा बना लेंगे, मतलब दो के साथ चार, दो के साथ पाँच, दो के साथ छः, फिर तीन के साथ चार, तीन के साथ पाँच, तीन के पाँच छः, और ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। पहला ये वाला बनाया है यूनियन वाला। अब क्या करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लेना है, क्या करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम लोग क्या करना होगा बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी अगर आप लोग निकालते हैं ना तो देखिए यहाँ चार पाँच है यहाँ पाँच है, दोनों में कॉमन कौन है पाँच, तो हम लोग पाँच ले लेंगे। फिर हम लोग ए के साथ इसको करेंगे तो दो के साथ पाँच बनेगा, तीन के साथ पाँच, और इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर वन भी कम्प्लीट होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ जो कि इंपॉर्टेंट है, वी वी आई लिखा हुआ है, क्या आप लोग का ए दिया हुआ है आप लोग का ए बी, बी दिया हुआ है सी डी और सी दिया हुआ है ई, वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है आप लोगों को, जस्ट वेट, चलिए आप लोगों को वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू क्या है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस एल एच एस लेके काम करना है, तो ये आप लोगों का वेरीफाई करना है, ओके। और यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है तो पहले बी माइनस सी निकालिएगा, तो बी माइनस सी कैसे निकालना सिखाई हूँ, मतलब बी का एलिमेंट लेना है लेकिन वो एलिमेंट सी में नहीं रहना चाहिए, तो बी का एलिमेंट क्या है सी डी लिख लीजिए, और ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो सी में प्रेजेंट है, तो आप लोग सीधा बी माइनस सी को बी का एलिमेंट सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पे सी में आप लोग का सी में लिखा हुआ था डी ई, तो हम लोग बी माइनस सी में पता है क्या लिखते, सिर्फ सी लिखते, मतलब तो हम लोग का जो बी माइनस सी है ना किसी घटा रहे सी को, मतलब सी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बी का सारा एलिमेंट लिखना है लेकिन हम लोग का बी का वो एलिमेंट को बस छोड़ देना है जो सी में है, बात खत्म। अब हम लोग का क्या करना है ए क्रॉस बी माइनस सी निकालना है, तो ए क्रॉस बी हम लोग का दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी माइनस सी भी दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं उसको निकाल लेंगे, काम खत्म। फिर ए क्रॉस बी निकालना है तो हम लोग का क्या करेंगे जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं बना लेंगे, ए क्रॉस सी निकालना है तो क्या करेंगे जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं उसको बना लेंगे। फिर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से आपस में क्या बोलेंगे, दोनों आपस में बराबर है, और इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है आराम से वेरीफाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये जो क्वेश्चन है ना वो एग्जामिनेशन में आने का चांसेस लग रहा है मुझे, क्या प्रूफ डेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इक्वल टू फाइव व्हेन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाइव। तो हम लोग क्या करेंगे एल एच एस लेके चलेंगे, तो हम लोग लेके चले लेट ए बी बिलोंग करा है किसमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी में, तो यहाँ से क्या बोलेंगे ए बी जो है वो बिलोंग करा है ए क्रॉस बी में और इंटरसेक्शन मतलब एंड लिख सकते हैं, और ए बी जो बिलोंग करा है किसमें सी क्रॉस बी में कर रहा है, मतलब हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं ए जो बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है बी में, और क्या हो जाएगा ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सी में और बी किस में बिलोंग कर रहा है बी में, तो ए बिलोंग कर रहा है ए में बी बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक है। और यहाँ ए बिलोंग कर रहा है सी में बी बिलोंग कर रहा है बी में, तो बी बिलोंग कर रहा है बी में दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा ए बिलोंग कर रहा है ए में और ए बिलोंग कर रहा है सी में, और ए जो है ए किस में बिलोंग कर रहा है, अगर ये एंड है मतलब ए इंटरसेक्शन सी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा ए बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी में और बी बिलोंग कर रहा है बी में, तो ए इंटरसेक्शन सी को दो मिनट के लिए फाइव मान लेंगे, मतलब ए बिलोंग कर रहा है फाइव में बी बिलोंग कर रहा है बी में। तो अगर हम लोग इसको ऑर्डर पे में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें फाइव क्रॉस बी में, और फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव ही आएगा, मतलब ए बी जो है किसमें बिलोंग कर रहा है फाइव में, और ए बी किसको मानते हैं इसको, ये किसको बिलोंग इसमें इसको बिलोंग कर रहा है मतलब कहने का क्या है उसका सबसेट है, और इस तरीके से हम लोग का इक्वेशन वन आएगा। और फिर हम लोग इसका रिवर्स भी इसी तरीके से करेंगे और इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से दोनों को आपस में बराबर प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अब क्या आप लोगों को देखिए x दिया हुआ है a इंटरसेक्शन b, तो प्रूफ क्या करना है x क्रॉस x जो है वो दिस है, तो ए मान लीजिए मान क्या लेंगे ए बी जो है ए बी वो किस में बिलोंग कर रहा है x क्रॉस
एक्स में किस में बिलोंग कर रहा है, ए भी जो है वो एक्स प्लस एक्स में, मतलब ए जो है वो बिलोंग करेगा एक्स में और बी जो बिलोंग करेगा एक्स में, और ए बिलोंग करेगा एक्स से, बी बिलोंग करेगा एक्स से, ठीक है। तो एक्स हम लोग का क्या, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन लिख देंगे, और बी एक्स क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है। और ए बिलोंग करा किस में, ए इंटरसेक्शन बी में, करने का मतलब ए बिलोंग करा ए में एंड ए बिलोंग करा बी में, और यहाँ बी बिलोंग करा ए इंटरसेक्शन बी में, मतलब बी बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग करा किस में, बी में। तो यहाँ से देखिएगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। मतलब कि ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है ए में, मतलब ए वाले को एक साथ रख देंगे बी वाले को एक साथ, मतलब ए भी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में और ए भी जो है बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस बी में, ठीक है। तो एक साथ लिखना चाहेंगे तो ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी लिख देंगे, और एक ए भी किसको माने थे, एक्स क्रॉस एक्स को, और ये सबसेट होगा किसका, इसका, ये इक्वेशन वन ला देंगे, फिर इसका रिवर्स भी इक्वेशन टू इसी तरीके से लाएंगे, और इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से बोलेंगे क्या दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। फिर आप लोग क्या, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी देन प्रूव डेट दिस ए क्रॉस, तो फिर वही कुछ नहीं करना है, जस्ट लेके चलना है, और फिर आप लोगों को प्रूफ करना है, बस एक बार दिखा देती हूँ, सारा सेम ही क्वेश्चन है, उसमें बार बार हम नहीं बताएंगे, बस आप लोगों को दिखा देते हैं कि आप लोग एक बार देख लीजिए। अब देखिए क्या, लेट द सेट हैज एम एलिमेंट्स एंड सेट हैज एन, बी हैज ए सेट के पास एम एलिमेंट है, बी सेट के पास एन एलिमेंट है, तो प्रूफ करना क्या है, ए क्रॉस बी विल हैव एम एन एलिमेंट, क्या बोल रहा है, अगर आप लोगों के पास कोई एलिमेंट है ए जिसमें कितने हैं मेंबर, तीन है, और बी आप लोगों का है जिसमें मेंबर तीन है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो उसमें नौ मेंबर होंगे। चलिए ए हम लोग मान लेते हैं क्या, ए वन ए टू ए थ्री ले पूरा ए एम तक, बी भी हम लोग इसी तरीके से मान लेते हैं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड ए क्रॉस बी वी फर्स्ट फॉर्म द ऑर्डर्ड पेयर इन विच द फर्स्ट एलिमेंट इज ए एंड द सेकेंड एलिमेंट इज टेकन फ्रॉम बी, दे आर, तो क्या क्या बन सकता है, ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री, इस तरीके से ए एम बी एन बन सकता है, इतना ऑर्डर पेयर बन सकता है, ठीक है। तो सेकेंडली व फ्रॉम ऑर्डर पेयर इन विच द फर्स्ट एलिमेंट इज ए टू द सेकेंड एलिमेंट इज टेकन फ्रॉम बी, दे आर दिस इन ऑर्डर पेयर, सिमिलरली वी फॉर्म ऑर्डर पेयर विथ फर्स्ट एलिमेंट ए थ्री एंड सेकेंड फ्रॉम बी, दे ऑल आर इन ऑर्डर पेयर, तो क्या है, एट लास्ट वी फॉर्म ऑर्डर पेयर विथ फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम बी, दे कैम, तो ये कुछ नहीं है, यही बोला है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट लीजिए सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, तो इस तरीके से हम लोग अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएगा ए क्रॉस बी में वो क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टॉप टेन क्वेश्चन में भी है, ठीक है। तो आप लोग इसको तो अच्छे से कर ही लीजिए, ये परीक्षा में आएगा क्या, इफ़ द सेट ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन देन प्रूव डेट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए विल हैव एन स्क्वायर एलिमेंट इन कॉमन, क्या बोला है, अगर आप लोग के पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है और सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो एन है, तो प्रूफ करना है अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं या बी क्रॉस ए, तो जो एन स्क्वायर जो होगा वो कॉमन एलिमेंट होगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पहले लेट ए वन ए टू ए थ्री पूरा ए एन तक जो एन एलिमेंट्स है, ठीक है, हम क्या मान लिए, हम लोग एन एलिमेंट्स है कॉमन इन टू सेट ए एन बी, ठीक है, हम लोग का ए वन से लेके ए एन तक कोई भी होगा एलिमेंट जो कि कॉमन है ए या फिर बी में, तो हम लोग मान लेंगे लेट एम इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री ए एन तक है, और हम लोग का एम जो हम लोग ए वन से लेके ए एन तक वो किसका सबसेट होगा, ए का होगा या फिर बी का होगा, मतलब ए जो है वो सबसेट किसका होगा, ए एंड बी, ठीक है। तो हम लोग एम हम लोग किसको माने किसी को नहीं माने, एम माने हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को, किसको माने ए इंटरसेक्शन बी को, यहीं पे तो है एम, ये एम हम लोग इक्वेशन वन बनाया है ना, तो एम के जगह पे ये रख देंगे, इसमें भी एम के जगह पे वन ये रख देंगे इक्वेशन वन से, तो हम लोग इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आई बिलोंग कर रहा है ए से एंड ए आई बिलोंग कर रहा है बी से, और क्या हो जाएगा, ए जे जो है बिलोंग कर रहा है ए से और ए जे बिलोंग कर रहा है बी से, तो यहाँ से क्या बोलिएगा, ए जो है वो बिलोंग कर रहा है, ए जो है वो आप लोगों का ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग, ये मतलब इस तरीके से लिख देंगे, फिर हम लोग एक साथ मिला के लिख देंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग का वो ट्रांजिटिव प्रूफ करना था ना वो वाला है, तो वो आपके काम का नहीं, चलिए तो हम लोग का क्या है, ये वाला है हल्का, ये कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हो गया हुआ लास्ट टॉपिक ये, देखिए इस तरीके से आप लोग का है ना, ये पार्टीशन वाला तो छोड़ ही दीजिए, अभी आप लोग अपना कीजिएगा करना हुआ था, सारा ख़त्म हो गया।
चलिए तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताया, आज का वीडियो है 33 मिनट का, लगभग 35 मिनट हो जाएगा भाषण करते करते। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सेट थ्योरी का वन शॉट वीडियो रिवीजन दी हूँ, जिसको अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों का एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, इसकी चिंता नहीं कीजिएगा। बस आप याद रखिएगा कि स्टेप कैसे कैसे लेते हैं, पहले ए भी मानते हैं, फिर जो भी लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं, फिर अलग अलग अपना, और अगर यू के तरह है तो उसको और मानना है, अगर इंटरसेक्शन की तरह है तो आप लोग को एंड उसको समझना है, फिर आगे धीरे धीरे करते जाना है, और इस तरीके से आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। ये सेट थ्योरी वन शॉट वीडियो था, जिसमें वो पार्ट वन था, एक पोर्सन कम्प्लीट हो गया एक क्वेश्चन वाला। नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी उसमें से नेक्स्ट पोर्सन कम्प्लीट हो जाएगा, चार वीडियो लाऊंगी, लगभग चार वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।